प्रभात विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो में हमने पदबंध किसे कहते थे उसके बारे में जाना, पदबंध के भेद, तो उसमें हमने एक भेदों के बारे में जाना था जिसका नाम था संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध को जानने के बाद पदबंध का दूसरा भेद जो है वो है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम का काम करने वाला सर्वनाम का काम करने वाला सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह पद समूह सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। सर्वनाम पदबंध कहलाता है। तो पूरा पद मिलकर उसका जो शीर्ष पद होगा वह सर्वनाम है। अब विद्यार्थी मित्र आपको यह ध्यान होना, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो यह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि सर्वनाम क्या है, क्योंकि नाइन्थ में आपने सर्वनाम पढ़ा, एट तक आपने संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये सभी व्याकरणिक बिंदुओं को आप पढ़ चुके हैं। तो सर्वनाम का मतलब है नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम यहां देखें तो उसमें मैं, तुम, आप, कोई, कुछ, वह, ये सभी सर्वनाम है। सर्वनाम को वहां हमने छह वेदों में सर्वनाम के हमने पढ़े थे। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं, तुम, आप, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ और कोई, और सार्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा करोगे वैसा भरोगे, और निजवाचक सर्वनाम में अपना काम स्वयं करता हूं। इस प्रकार हमने एट में हमने सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़ा था। अब हम उस सर्वनाम में जो सर्वनाम जैसे मैं, तुम, आप, कोई, कुछ, हुआ, ऐसे शब्दों के आगे जो पदबंध लगाकर उसकी इकाई पूरे पदबंध को बांधते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का काम करने वाला अर्थात पूरा पद समूह मिलकर उस सर्वनाम पद के बारे में कहा जाए तो उसको हम कहेंगे सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम जैसे यहाँ उदाहरण हम देखते हैं, सदा हंसते रहने वाले तुम आज सुस्त क्यों हो, तो विद्यार्थी इसके अंदर कौन सा सर्वनाम यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो तुम तक दिख रहा है, तो तुम से लेकर के सदा तक रहने वाले तुम अंतिम शीर्ष पद जो होगा वो सर्वनाम होना चाहिए। सदा हंसते रहने वाले तुम जो है ये सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा आपका सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध इसका भेद जब आपको ज्ञान में पूछा जाएगा या तो रेखांकित किया गया होगा तो आप कहेंगे सदा हंसते रहने वाले तुम, या तुम जो है जो शीर्ष पद आया जो मुख्य पद आया वो क्या है विद्यार्थियों, सर्वनाम आया। तो सर्वनाम आया तो उसको हम कौन सा भेद कहेंगे, सर्वनाम पदबंध। उसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम पदबंध। दूसरा वाक्य देखते हैं, बाहर से आए छात्र में कुछ मांसाहारी, तो इसमें सर्वनाम पद क्या आया है, कुछ, तो यहां से लेकर के यहां तक ये कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और तुम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो हमको तो सिर्फ सर्वनाम शब्दों से परिचित होना है, वो सर्वनाम शब्द आप जान रहे हैं तो इसको आसानी से पहचान पाएंगे और उसको पहचान कर उसको रेखांकित करके आगे आपके लिए, अगर संज्ञा होता तो संज्ञा हो जाता, परंतु इसमें क्या है, सर्वनाम संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम पदबंध।
तो इसमें हो गया सर्वनाम पदबंध। चौथा वाक्य, तीसरा वाक्य देते हैं, आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं आया, तो एक शब्द आ गया कोई, यहां पे हो जाएगा यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा आपके मित्रों में से कोई, कोई जो है सर्वनाम है, क्या हो जाएगा सर्वनाम पदबंध, क्या हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। चौथा अगर हम पढ़े, तकदीर का मारा मैं कहां आ पहुंचा, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, कहां आ पहुंचा, इसमें मैं शब्द जो है वो सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा तकदीर का मारा मैं, तो मैं जो है ये क्या जाएगा सर्वनाम पदबंध, इसको हम लिखेंगे फिर क्या रहेगा इसका सर्वनाम पदबंध। तो विद्यार्थी इसको आप समझ गए कि सर्वनाम का काम पूरा पद समूह मिलकर किसी सर्वनाम का बोध करा, इसके पहले वीडियो हमने किसका बोध करा था, संज्ञा का बोध करा, तभी वो संज्ञा पदबंध होगा, परंतु इसमें शीर्ष पद जो है अंतिम पद जो है वह मैं कोई कुछ तुम, ये सभी सर्वनाम है, और जो सर्वनाम होते हैं उनके आगे ही एक से अधिक पद लगे हैं, तो पूरा पद मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराता है सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम पदबंध को देखा, सर्वनाम का काम करने वाला पूरा पद समूह, पूरा पद जो है सदा हंसते रहने वाले तुम, बाहर से आए छात्र में कुछ, आपके मित्रों में से कोई, तकदीर का मारा मैं कोई कुछ और तुम, ये सर्वनाम है, इसलिए इसको हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तो सर्वनाम पदबंधों को आपने परिभाषा सहित उदाहरण सहित अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे, इसके आगे के वीडियो में हम पदबंध के अलग भेदों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।